साउथ अमेरिका में सोयाबीन के उत्पादन अनुमान में कटौती की गई है। इस बार ब्राजील और अर्जेंटीना में सोयाबीन का उत्पादन कम बताया जा रहा है, क्योंकि वहां पर सूखे के हालात हैं, जिससे सोयाबीन की फसल उत्पादन पहले से कम रहेगी, जिससे वैश्विक सोयाबीन उत्पादन पर असर पड़ सकता है और इसी के चलते कीमतों में लगातार उछाल भी आ रहा है। इसका फायदा अमेरिका को हो रहा है। जो देश ब्राजील और अर्जेंटीना से सोयाबीन खरीदते थे, उन्होंने अमेरिका की ओर रुख किया है। अमेरिका से चीन को सोयाबीन निर्यात में तेजी देखने को मिली है। अमेरिका से चीन को सोयाबीन निर्यात बिक्री असामान्य रूप से उच्च चल रही है। अमेरिका ने 2022 में चीन के लिए अब तक लगभग 1.7 मिलियन टन सोयाबीन की नई फसल की बुकिंग की है, जो पिछले साल के रिकॉर्ड के करीब है। वैश्विक सोयाबीन आपूर्ति के बारे में चिंताओं के बीच 2022-23 सीजन में डिलीवरी के लिए चीन की खरीद भी असामान्य रूप से जल्दी हो रही है। ब्राजील और अर्जेंटीना में सोयाबीन की फसल लगातार दूसरे साल सूखे का सामना कर रही है, जिससे पैदावार भी कम हो रही है। इसी कारण सोयाबीन के लिए चीन की अमेरिका पर निर्भरता बढ़ी है। दुनिया भर में सोयाबीन के स्टॉक में कमी रहने के चलते चीन की सोया खल और सोया वायदा की कीमतें उछली हैं। चीन का सोयाबीन आयात, जो 2021 में रिकॉर्ड 100 मिलियन टन तक पहुंच गया था, इस साल ज्यादा कीमतों के दबाव के कारण घटने की उम्मीद है। वहीं बीजिंग 2020 की तुलना में 2025 तक घरेलू मांस उत्पादन को 15% तक बढ़ाने पर जोर दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।